बाकी तुम लोग किसी को मारो क्या? मेरा खत्म हो गया सर, लिखना भी ये लिखना होता है। पहुंचाओ ठीक है सर। अब ज्यादा मतलब धूप है, देख रहे हैं धूप क्या है। वो आज इनका पहुंचे वहाँ पे स्क्वायर, तो अपने बारे में कुछ लेसी है मतलब पेशेंट की बहुत दूर है भाई, हो गया पानी कहाँ? हाँ ज़्यादा पड़ता है। हेलो गाइस, टुडे इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो आज हम लोग को विश्व पर्यावरण दिवस को 5 जून को मना रहे हैं। आप देख रहे हैं प्लांटिंग भी कर रहे हैं। तो कल से हम लोग मिल रहे हैं इमरजेंसी वार्ड में, और जो इमरजेंसी में उनको पूरा डे मालूम है। और हमारे सीनियर ये हम लोग का हॉस्टल है, देख रहे हैं ना, ये हॉस्टल है, कितना खतरनाक हॉस्टल है, देख सकते हैं पीएमआई की बिल्डिंग है। और ये डॉक्टर्स बिल्डिंग रेस्ट बिल्डिंग रेस्ट, ठीक है। ये भी गलत, पर इसमें नहीं करना चाहिए क्योंकि बार बार अगर लंबे समय तक ड्यूरेशन तक चल रहा है। ठीक है, यहाँ से पंचर नहीं करना चाहिए। इसी के अंदर एक ड्राइववे आता है, उसमें एक अलग से होल रहता है। यहाँ देखा होगा, अगर किसी ने नहीं देखा होगा तो मैं दिखाऊंगा तुम लोगों को। जब हम इसको रहेंगे ठीक है, तो उसको पूरा शेयर करेंगे या रिलीज करेंगे, तो आपको इसको यहाँ इफेक्ट कर देंगे। उनका तो ये बता दें, हमें एक मेडिसिन लगाना है तो एक लगा दिया, अगर हमको दो मेडिसिन लगाना है तो हम दूसरा डिस कलेक्टर जो होगा वो हम जो भी डिस्टिल वाटर रहेगा पीने के खोलना है, यहाँ पर हमको कैनोला लगाने के तुरंत बाद में हमको पीने के रिमूव कर देना है, लूज करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ फिंगर रखा हुआ है, इसके बाद में हमको क्या करना है, अच्छा लॉक हो गया, फिर हमको यहाँ पे फ्लूड लेना है, ठीक है। और यहाँ भी हम चेक कर लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि लूज तो नहीं, एकदम से पता चला निकल गया। और ये जो एरिया है ये स्टलाइज एरिया होता है, ये वाला यहाँ से लेके और यहाँ तक ये स्टलाइज एरिया है। कभी भी कैनुला लगाते समय गलती से भी यहाँ टच नहीं करना है, क्योंकि ये उसकी बॉडी में जाएगा, आपके हाथ पे जम्स हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, डस्ट पार्टिकल हो सकते हैं, तो ये भी इंसर्ट हो जाएंगे उसकी बॉडी के अंदर। प्रोमिनेंट वेन देखेंगे हमको, हम डायरेक्ट ऐसे वेन में नहीं देंगे, क्योंकि वेन क्या होती है, स्लिप होती है साइड से देखे। और किसी ने कैनुला किया हुआ है क्या, लगाया हुआ है, आता है लगाना यूज़? कैनुला लगाना है ठीक है। इनको हम प्रोसीजर करने जा रहे हैं कैनुला का। यहाँ तो पेशेंट का टेंडर आता है तो वो तो खरीद के खुद लेके आता है कैनुला वगैरह, क्योंकि यहाँ नहीं मिलता है, मिलता है तो ठीक है, वो तो लगाना पड़ता है ना। तो एक बार पेशेंट को बताना पड़ता है कि क्या, ये तो नहीं ना पेशेंट को, पेशेंट लेटा हुआ है, चल भाई सीधा हाथ का, ये नहीं करना है। पेशेंट को बताना है कि एक कैनुला लगाएंगे हम आपको, थोड़ा सा हल्का सा पेन होगा। तो पेशेंट को क्या करना है, आपको पहले काउंसलिंग करना है, कोई भी प्रोसीजर करेंगे पहले काउंसलिंग करेंगे, उसके बाद में ही प्रोसीजर करेंगे। हो सकता है पेशेंट आप कैनुला लगाओ वो उल्टा आपने एक थप्पड़ लगा दो, होता है कोई भी चीज़ अगर उसके बॉडी में पेनफुल जाएगा, या कभी कभी देखो दो बार प्रिक करने के बाद में अपने आप बोलने स्टार्ट कर देगा पेशेंट,
पेन होना स्टार्ट हो गया उसको, कर रहे हैं हम, ठीक है जी। काउंटर तो नहीं हो रहा है यहाँ पे, नहीं कोई स्वेलिंग नहीं दिख रहा है, नहीं आराम से चला गया। अरे टूनिकट ढीला है, खोल क्या खोल रहा हूँ माइक्रोफोन। अरे हमारा हो गया डेमो, काफी रीडिंग हो गया। चाहे नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग देख रहे हैं कि डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है कि कैनुला को हाउ टू इंजेक्ट द कैनुला इन अ बॉडी। तो सर हम लोग को बता रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग, तो बताएंगे कि कैसे किया जाता है। तो अभी ज़्यादा भीड़ है वहाँ पे, तो हम बाहर हैं क्योंकि हमको तो आता ही है। सर वैसे ही बताया जा रहा है कि कैसे हाउ टू इंजेक्ट अ बॉडी। ठीक है, दिख रहा भेन? यस सर, टूनिकेट बांधे, भेन इसका दिख गया पहले से दिख रहा। चलो यहाँ देख लें, और हमारे बॉम्बे जी फ्लाइट को बात कर रहे हैं, और ये हमारे कलीग हैं, और ये हमारे सीनियर पैथोलॉजिस्ट सर हैं, और वहाँ पे के लेके हम बात कर रहे हैं। क्या लोगों को संदेश देना चाह रहे हैं आप बच्चों के साथ? देखिए, हम लोगों का यही संदेश है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, जिससे कि वातावरण शुद्ध रहे। हम लोगों को वैसे भी बहुत ज़्यादा पेड़ लगाने की ज़रूरत है अभी। नमस्कार दोस्तों, अभी हम पहुंचे हुए हैं गोपालगंज जिले से चल के हथवा मंडल में। आप देख सकते हैं कि हथवा जो रेफर अस्पताल है उसमें हम पहुंचे हुए हैं, और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि पारा मेडिकल के जो भी छात्र और छात्राएं हैं, और साथ ही साथ सर हैं, पर्चे जानेंगे। और विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पे सभी लोग पौधा लिए हुए हैं, और साथ ही साथ एक समाज सेवी व्यक्ति हैं जो इन लोगों के साथ हमेशा संबंध और जुड़े रहते हैं। कहीं ना कहीं इन बच्चे और बच्चियों का जो प्यार है, दुलार है, या कहिए जो भी इनके साथ है, ये लोगों को संदेश देना चाह रहे हैं। हम लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, जिससे कि आसपास का वातावरण है उसको शुद्ध रखा जा सके, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार पेड़। तो यही संदेश है मेरा कि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण दिवस के दिन में कम से कम एक पेड़ हर व्यक्ति लगाए, जिससे कि हम अपना पर्यावरण को सुरक्षित। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में समाज सेवी हैं, इनसे भी जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? आप भी इन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, क्या लोगों को पेड़ लगाया जाए और लोगों को अच्छा संदेश मिले कि इससे लोग और भी पेड़ लगाएं? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं कि हथवा मंडल के परिसर में, यानी हॉस्पिटल परिसर में, बच्चे जो पारा मेडिकल पानी में आ गया, दूसरा कोई खाएगा, फल वाला पौधा नहीं है सर, भाई लोकल पौधा लाए, ठीक है। देखा कि हम भी प्लांटिंग लगाए होंगे, ये ट्विन प्लांट है, दिख रहे हैं ना, मतलब ट्विन प्लांट है। ये हम लोग का कॉलेज पीएमआई अभी बंद है क्योंकि अभी क्लास नहीं है, आप हम पढ़ाई। हेलो गाइस, टुडे इज वर एनवायरनमेंट डे, ऑन एनवायरनमेंट प्रपोज बाय यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली सिंस 1972। टुडे थीम इज 2020 थीम इज इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। हम भी प्लांटिंग लगाए होंगे, ये ट्विन प्लांट है, दिख रहे हैं ना, मतलब ट्विन प्लांट है।